ओके सो आईफोन SE 2 क्या मुझे ये फोन लेना चाहिए कि नहीं? दया क्या ये फोन मुझे लेना चाहिए कि नहीं? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना सही में। यहाँ पर रैम कैसा है, स्टोरेज कैसा है, बैटरी हेल्थ कैसा है, कैमरा कैसा है, फ्रंट और बैक में पोर्ट्रेट कैसा चलता है, पीछे से आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर करना, और उसके बाद आता है उसके एस्थेटिक और यहाँ पर जो स्पीकर्स है वो कैसे है, स्पीकर्स में क्या रखा है, नाम में कैसा रखा है, वैसे स्पीकर्स में क्या रखा है। सबसे पहले अगर आप आईफोन में आते हो ना, सबसे पहले यहाँ पर जो लुक्स होती है उसमें कमी नहीं होती है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे खासे बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बहुत ही मजबूत होता है। बेंड गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी जो बात हो रही है वो अभी की हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जो स्पीकर्स होते हैं वो भी बहुत ही सॉलिड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं मेरा M1 iPad Pro, इसके जो कैमराज आते हैं, इसके जो स्पीकर्स है वो बहुत ही क्रिस्प एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये चीजों के बाद यहाँ पर डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले अगर आप लाइट यूजर हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, जैसे कि सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बैटरी लाइफ बहुत ही औसम है। 7:04 हुए तो मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे ही बैठे हो, वीडियो को देख रहे हो, मजाक मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ। चलो अभी यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी है, 720p डिस्प्ले। ये जो फोन है ना उसमें इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है। ओवरऑल अगर मैं टेक एंथुजियास्ट के हिसाब से देखूं, मैं वैसे भी हूँ, तो मुझे इतना सही नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फोन है, ओवरऑल चीजें जो है ना वो आईफोन में अगर आप आते हो इकोसिस्टम में वो सारे चेक कर देता है, जैसे कि 8/13 चिपसेट, जो रैम है वो 3GB की, यहाँ पर जो स्टोरेज है वो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक्सेट्रा में चीजें देखते हो वो जो है इतना बुरा नहीं है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अच्छी है। उसके हिसाब से अगर आपको iPhone SE 2 लेना है तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये फोन को आग बंद करके ले देंगे क्लियरली, क्योंकि ये जो है ना वो रेट्रो है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो बेजल्स मिलता है, यहाँ पर जो बैटरी है और जो लुक्स है वो इतने ज्यादा मुझे अपीलिंग नहीं लगते हैं आईफोन के अभी के टाइम के हिसाब से। बट यहाँ पर जो बातें हैं ना वो अगर आप 2-3 साल पहले लेके जाओगे तो इतना मतलब ठीक है चला लेते हैं, बट अभी के टाइम पे फर्क पड़ता है। मुझे मत बोलना कि भाई यहाँ पर आपने क्यों लिया। देखो सबसे पहले ये जो फोन है वो मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं लिया, ये जो है वो मुझे गिफ्ट दिया गया, तो फेक को कैसे बना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो फोन है वो गेमिंग के हिसाब से कैसा है, तो सोच समझ के ही लेना, बहुत ही गलत फोन लेने वाले हो। मेरे पास ये टैब पड़ा है तो मैं इसमें गेमिंग करता हूँ, पहले बहुत ही अच्छा लगता था। बी के सिचुएशन में आते हैं तो मैंने बहुत सारे फोन चलाए, जैसे कि 12 Pro Max, 11 Pro, 11 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 11, 12, बहुत सारे फोन चलाए हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है मेरे माइंड सेटअप में। तो उसके बाद अगर मैं खेलने जाऊंगा तो मुझे मतलब सही भी नहीं लगेगा, मतलब इतना छुटकू सा फोन क्या लेके करूंगा। अब यहाँ पर अगर आप ये फोन लेने जाते हो गेमिंग के हिसाब से, जो गेमर्स होते हैं जो ऐसे घुस घुस के देखते हैं, उनको रेजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा, बहुत लोग को फर्क पड़ता है। अगर आप एग्जैक्ट सुबह के 6 बजे चार्ज करते हो, अगर आप नॉन स्टॉप उसके बाद गेमिंग खेलते हो 1.5 घंटे के बाद से, तो उसके बाद जो फोन है वो 12:30 PM तक आते आते RIP हो जाएगा। यहाँ पर जो फोन है, अगर आपको आईफोन लेना है तो कौन सा भाई अच्छा फोन है, तो वो है iPhone SE 2 नहीं, iPhone XR है। आई नो चिपसेट 1 साल पुराना उससे भी है, कहानी में ट्विस्ट नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो ये बात हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेते हो तो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ पर अगर आप आईफोन लेते हो तो सॉफ्टवेयर मिलेगा। कैमरा जो डिस्प्ले होता है उसमें नंबर्स में इतना नहीं खेला जाता है, सो ये बात हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि 8/12 bionic chipset, जो LCD पैनल है, बहुत ही ब्राइटर डिस्प्ले है, बट 720p है, और जो बैटरी है वो स्पेशली बहुत ही ज्यादा अच्छा है डिपार्टमेंट में बैटरी के, तो उसके हिसाब से ये जो फोन है वो बहुत ही बीस्ट है, आप दे सकते हो। दोस्तों ये जो बातें हैं वो भूलना मत, ये जो फोन है उसके कम स्टॉक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो फोन है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एप्पल जो है वो नहीं करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अमेजोन पे जाते हैं और iPhone XR की प्राइसिंग सर्च करते हैं। 64GB जो आता है वो 33,999 से आता है, और जो 128GB आता है वो आता है 38,999 से। एक और चीज भी है जो बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन से लेते हो तो आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू में मिल सकता है कहीं ना कहीं से, सेकेंड हैंड मार्केट में भी। और यहाँ पर जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है फाइनली। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कितनी बार बोलूंगा, अभी तो कर ली होंगी, एंड अगर आपने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।